कैरेक्टर ठीक है सो उसमें हम लोगों ने दो तीन चीजें करी थी फर्स्ट वाज दैट देयर विल बी टॉपिक ऑफ क्या कहते हैं उसको अमोनिया एंड अमीन्स तो अमीन्स दे आर गोइंग टू बी मोर बेसिक एज कंपेयर टू अमोनिया द रीजन बिहाइंड दैट इज दैट इन केस ऑफ अमोनिया इन केस ऑफ अमीन्स देयर इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर इंक्रीज कर देता है एंड हेंस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजीली मूव्ड ठीक है सेकेंड जो इसमें था दैट वॉज इफ यू आर कंपेयरिंग इन द गैशियस फेज तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है बिकॉज ऑफ अगेन प्लासा इफेक्ट 3 डिग्री की ज्यादा होती है फिर 2 डिग्री की और फिर 1 डिग्री की पर जब हम लोग एक्वस फेज में जाते हैं तो देर आर टू थिंग्स विच आर गोइंग टू गवर्न द बेसिक कैरेक्टर द फर्स्ट वन दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस तो ग्रुप्स अगर बड़े हो जाएंगे तो इन दैट केस प्रोटोनेशन जो होती है NH3 की जो नाइट्रोजन वाला जो है उसकी जो प्रोटोनेशन होगी वो कम हो जाएगी दैट इज बिकॉज ऑफ बल्कियर ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट ठीक है और सेकेंड जो था वो था हाइड्रेशन इफेक्ट तो उस पर क्या होता है कि जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन होती है उतना ही मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है सो अगर वो ज़्यादा स्टेबल होगा तो इन दैट केस वी से दैट इट शुड बी मोर बेसिक और थर्डली प्लासा इफेक्ट तो ज़रूर इफेक्ट करता ही है तो कॉम्बिनेशन अगर हम लोग इन तीन फैक्टर्स की देखते हैं तो इट इज सीन की 2 डिग्री जो होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है फिर उसके बाद इट इज गोइंग टू बी 1 डिग्री एंड देन इट इज 3 डिग्री बट अगेन क्या एक और चीज़ जो इफेक्ट करेगी दैट इज अ एल्काइल ग्रुप विच इज अटैच्ड तो हमने करा कि अगर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है इन केस ऑफ मिथाइल ग्रुप इट इज गोइंग टू बी 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 3 डिग्री ठीक है एंड इन केस ऑफ एल्काइल ग्रुप इट इज गोइंग टू बी 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 1 डिग्री सो ये आपने याद रखना है ये वाला जो सेक्शन होता है ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन या आपको इसमें एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन बट व्हाट आई हैव सीन कि लास्ट ईयर वाला पेपर जो अमीन्स का आया है अमीन्स में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर तो उसमें आपको एक क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का आया था वो ABC वाला आया है एंड 1 मार्क का क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है सो ABC वाले क्वेश्चन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको आप बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है आपने और जो अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में रिलेशन रिएक्शंस हैं कि हम अमीन से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्रिपेयर करते हैं वो वाले रिएक्शंस भी आपके इंक्लूड किए जा सकते हैं ABC ठीक है सो लेट्स गो ऑन टू नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन द सेकेंड रिएक्शन ऑल्सो वी हैड ऑलरेडी डन द एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन द थर्ड रिएक्शन विच वी आर गोइंग टू डू टूडे दैट इज नोन एज एसाइलेशन रिएक्शन एसाइलेशन रिएक्शन क्या होता है दैट इज द एडिशन ऑफ द एसाइल ग्रुप नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ स्पेशली एनिलिन तो एनिलिन में जो अमीन प्रेजेंट होता है वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है राइट सो जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो हम देखते हैं कि मोस्टली हमारे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमको डीलोकलाइज करना पड़ता है तो उसको डीलोकलाइज करने के लिए ये वाली रिएक्शन करते हैं एसाइलेशन रिएक्शन एसाइलेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ एडिशन ऑफ एन एसाइल ग्रुप तो ये जब एसाइल ग्रुप ऐड होगा तो आप देखोगे कि देयर इज गोइंग टू बी रेजोनेंस व्हिच इज गोइंग टू टेक प्लेस और जो लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं वो बहुत रेडिली अवेलेबल नहीं होते तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग डीएक्टिवेट करते हैं इस ग्रुप को ताकि हमें सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिले ओके सो लेट्स गो ऑन टू द रिएक्शन ओवर हियर वी हैव C2H5 NH2 ठीक है और इसके साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं एसिटाइल क्लोराइड Cl ओके अब व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा सॉरी ये जो बॉन्डेड पाई बॉन्ड है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये उसकी तरफ को शिफ्ट होता है जिसकी वजह से इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन के ऊपर वो कम हो जाएगी तो ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये अटैक करेगा एट दिस कार्बन एटम ठीक है सो सच दैट व्हाट आर वी गोइंग टू गेट ओवर हियर वी आर गोइंग टू गेट एन एडिशन प्रोडक्ट व्हिच इज C2H5N H with a positive charge and C
O with a negative charge, CH3 and Cl, right? So this is going to be the addition product which we are getting over here. Ab yaha se HCl that is going to be removed. So jab HCl yaha se remove hoga, to what is going to happen? Ye apne electrons chhod dega iske upar, theek hai? Yaha se ye wala bond yaha chala gaya aur chlorine bhi nikal gaya aur HCl bhi nikal gaya, theek hai? So what do we have over here now? We are going to have C2H5NH double bond C CH3 double bond O plus HCl. So C2H5NHCOCH3, this is N ethyl ethanamine. ठीक है, CH3CONH है ना, so that is amine. CH3CONH बन रहा है, that is going to be amine. So this is N ethyl ethanamine. This is going to be the name. अब ये वाली जो reaction है, that is going to take place in presence of a base. Why in presence of a base? Because जो वहाँ पे HCl present है, उसको neutralize करना है. तो इसलिए generally इसको हम लोग reaction को करते हैं in presence of a stronger base than amine. So mostly you will see कि books पे जो दिया गया है, the reaction that is going to take place in presence of pyridine, right? So pyridine का function क्या रहेगा? That it is going to remove HCl from the reaction mixture and make it neutral. Okay, so let's do this reaction with C6H5 also. Right, so resonating structures तो इसके बनेंगे, but उससे पहले हम लोग attachment इसकी इसी तरह से show कर रहे हैं. So we have CH3Cl double bond O. Okay, so same, this is going to go here, this is going to attack here, ठीक है? So we have over here now an addition product. ये आ गया हमारे पास, ठीक है? Positive charge that is going to be on nitrogen, right? और फिर उसके बाद HCl remove हो जाएगा and we are going to get an aromatic product. N-phenyl ethanamine, ठीक है? So this is going to be N-phenyl ethanamine. और इसका जो common name है that is going to be acetaanilide, right? So ये वाली जो reaction है, this is going to be क्या कहते हैं, acylation reaction. Basically ये reaction हम लोग use करते हैं for deactivating the amine on the benzene ring, right? Then we go on to the fourth reaction, very important reaction from your examination point of view. The fourth reaction which we have, that is carbyl amine reaction. अब carbyl amine reaction में जो aromatic और aromatic primary amines होते हैं, सिर्फ वही ये वाली reaction देते हैं. So this is going to be a test for primary amines. Isocyanide test भी बोलते हैं इसको, carbyl amine test भी बोलते हैं. इसमें basically जो carbyl amines होते हैं उसे react किया जाता है with chloroform in presence of potassium hydroxide, ठीक है? So we are making the medium basic और उसके बाद उसको heat किया जाता है and after heating we are going to get a foul smelling liquid which is alkyl isocyanide or this is also known as carbyl amine. And with this of course jo byproducts honge, that is going to be KCl plus 3H2. Is it clear? So ye wala jo test hai, this is only given by the primary amines and this is an important reaction. Fir fifth reaction jo hota hai, that is going to be reaction with nitrous acid.
reaction with HNO2 with nitrous acid. So nitrous acid ke saath again primary amines ki pehle hum log reaction karte hain, to wo nitrous acid ke saath react karke hame deta hai aliphatic diazonium salts. Ye reaction humne hello alkanes mein kari hai, preparation of diazonium salts. So the first reaction that what we are going to do is that is of primary amines. Right? So primary amines hamare paas kya aage, we are taking RNH2 plus HNO2. Reaction will take place in presence of NaNO2 and HCl. So this is going to give us R N2Cl. This is alkyl diazonium chloride. ठीक है, और फिर उसके बाद जब हम इसको वाटर के साथ वार्म करते हैं, that is going to give us ROH plus nitrogen plus HCl. Right? So this is one method to prepare alcohols from amines. उसी तरह से second अगर हम लोग aromatic amines ले लें, aromatic amines में benzene diazonium chloride बन जाएगा, ठीक है? So we taking over here aniline. Reaction with HNO2 again in presence of NaNO2 and HCl, this is going to give us benzene diazonium chloride, ठीक है? और फिर इसको अगर हम लोग वाटर के साथ वार्म करते हैं, वी आर गोइंग टू गेट फिनोल. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द रिएक्शन. सेकेंडरी एंड टर्शरी जो है वो रिएक्ट करते हैं इन अ डिफरेंट मैनर. तो इसका मतलब ये वाला भी जो डिस्टिंक्शन टेस्ट हो सकता है बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो ये वाली जो रिएक्शन हम लोग शो कर रहे हैं, दे आर ओनली गोइंग टू बी गिवन बाय प्राइमरी. ठीक है, देन द सिक्स्थ रिएक्शन व्हिच वी आर गोइंग टू डू, दैट इज रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, जो कि मैंने आपको कल बताया था हिंसबर्ग रिएजेंट. ठीक है, so we're going to do reaction with aryl sulfonyl chloride. Reaction with aryl sulfonyl chloride. ये जो एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड है, इसको हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट भी बुलाते हैं. और ये वाली जो रिएक्शन है, ये सिर्फ मतलब सिर्फ तो क्या बोल सकते हो आप, ये बोल सकते हो कि तीनों अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं. टर्शरी इसमें रिएक्ट नहीं करता है, टर्शरी डज नॉट गिव दिस रिएक्शन. ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी देते हैं, बट इन बोथ द केसेस द प्रोडक्ट्स दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट. सो दिस कैन बी यूज्ड एज अ डिस्टिंक्शन टेस्ट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी. So what is benzene ya aryl sulfonyl chloride, that is going to be, let's, we are taking the reaction of primary first. S, ye wali reaction bhi important hai. Cl, this is aryl sulfonyl chloride. Theek hai, isko hum log react kar rahe hain primary amines ke saath. C6H5, theek hai. फिर उसके बाद वी विल सी कि यहां से ये HCl निकल जाता है और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है यू कैन टेक ओवर योर प्राइमरी अमीन. लेट्स टेक प्राइमरी अमीन ओवर हियर. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू गेट दिस. राइट, नाउ ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बना, दिस इज एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड. ये सल्फा ड्रग्स जो होते हैं ना, जो मेडिसिन यूज होती है, उसमें ये एक मेजर कॉम्पोनेंट होता है, एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड.
राइट अब ये जो प्राइमरी अमीन के साथ जो हम रिएक्शन कर रहे हैं तो व्हाट कैन यू सी ओवर हियर कि प्रोडक्ट के पास ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है राइट नाउ बिकॉज़ ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन ये जो कंपाउंड होगा दैट इज गोइंग टू बी सॉल्युबल इन एल्केली ठीक है सो NaOH के अंदर डालेंगे अगर हम तो दिस इज गोइंग टू बी सॉल्युबल अगर हम लोग लेते हैं सेकेंडरी अमीन So same we are taking over here, Hinsberg reagent. This is your secondary amine. उसी तरह से यहां से ये HCl निकल गया ठीक है और we are going to get We are going to get NN dimethyl benzene sulfonamide. ठीक है? अब यहाँ पे आप देखते हो कि there is no hydrogen left over here, right? So ये जो यहाँ product बनेगा, this is going to be insoluble in alkali. So this gives us a distinction between primary and secondary. जो tertiary होते हैं, because tertiary के पास कोई भी hydrogen है ही नहीं present. तो वो ये फर्स्ट वाली रिएक्शन भी अंडरगो नहीं करते तो वी कैन से दैट टर्शियरी दे डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट ठीक है सो प्राइमरी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है टू गिव अस अ प्रोडक्ट जो कि सॉल्युबल है एल्केली में सेकेंडरी रिएक्ट कर रहा है टू गिव अस अ प्रोडक्ट जो इनसॉल्युबल है एल्केली में और टर्शियरी जो है दैट डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट एट ऑल ठीक है सो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो अ टेस्ट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी Then let's go on to the electrophilic substitution reactions of amines. So we are going to the seventh reaction. Electrophilic substitution reactions. अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है एज आई जस्ट टोल्ड यू कि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो जो अमीन होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है तो वो तीनों पोजीशंस को दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन को हाईली एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट वी आर मोस्टली गोइंग टू गेट अ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ओवर हियर जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ब्रोमिनेशन कर रहे हैं ब्रोमिनेशन करने पे हमारे पास वी आर टेकिंग एनिलिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके हमने ऑलरेडी कर लिए हुए कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा बिकॉज इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल गेट डीलोकलाइज्ड एंड द नेगेटिव चार्ज दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन नाउ इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है देयरफॉर दैट विल गो एंड अटैक एट द ऑर्थो एंड position right so we have over here the reaction in do tarah se reaction hum kar rahe hain pehle hum log reaction kar rahe hain in bromine water right so in case of bromine water we are going to get two four six tribromoaniline theek hai सो एरोमेटिक रिंग्स जो है वो बहुत ही हाई रिएक्टिविटी है इन ऑर्डर टू डिक्रीज इट्स रिएक्टिविटी हमको एसिटाइलेशन करनी पड़ती है सो लेट्स सी कि हमको अगर सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो वो हमें कैसे मिलेगा जैसे हमने एसाइलेशन अभी करी थी एसाइलेशन कैन बी डन ईदर इन प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल फ्लोराइड या इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटाइल ग्रुप पर हमने अटैक करना है ठीक है और रिएक्शन जो है दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलिन इटसेल्फ सो वी आर टेकिंग ओवर हियर पिरिडीन राइट सो व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हिच वी आर गोइंग टू गेट ओवर हियर दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट ठीक है सो दिस इज एनफिनाइल इथेनामाइड राइट अब यहां पे डीलोकलाइजेशन जो है दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर
यहां पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये डीलोकलाइज हो जाएगा यहां से ये यहां चला जाता है और ये यहां चला जाता है ठीक है सो दिस इज गोइंग टू बी अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ और रेजोनेंस इट हैज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स व्हाट आर वी गोइंग टू गेट ओवर हियर ये आ गया हमारे पास ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है ठीक है तो आप क्या देख रहे हो इधर कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट था जो कि बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है उसको क्या हो गया दैट गोस इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज प्रेजेंट ओवर हियर सो दिस रिएक्शन दैट इज गोइंग टू डीएक्टिवेट द क्या कहते हैं द बेंजीन रिंग ठीक है सो अब जब हम इसकी ब्रोमिनेशन करेंगे दैट इज ओनली गोइंग टू गिव अस वन प्रोडक्ट व्हिच इज अ मेजर प्रोडक्ट दैट इज पैरा ब्रोमो एनिलीन राइट सो फर्दर व्हेन दिस इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन दिस इज गोइंग टू गिव अस ब्रोमीन विल अटैक एट द पैरा पोजीशन तो हम बेसिक या एसिड मीडियम में इसको रिएक्ट करते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी रिमूव्ड फ्रॉम योर द एसिडाइल ग्रुप और हमारे पास आ जाता है पैरा ब्रोमो एनिलीन ठीक है सो जहां पे भी हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स करेंगे इन ऑल दोस केसेस हमको पहले एसिडाइलेशन करनी पड़ेगी तभी हम लोग पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन को या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है उसको कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं ठीक है सो लेट्स गो ऑन टू द सेकेंड रिएक्शन दैट इज नाइट्रेशन रिएक्शन नाइट्रेशन रिएक्शन नाउ इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट ओवर हियर दैट जब भी हम लोग नाइट्रेशन रिएक्शन करते हैं तो यहां पे हमारे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड की जगह हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स बनते हैं व्हिच इज पैरा मेटा एंड ऑर्थो जनरली जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं जैसे कि NH2 इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं दे आर गोइंग टू बी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग But we will see over here that a major amount of beta product is also formed, right? So let's see the reaction first, then I'll give you the reason why this happens. ये आ गया हमारे पास aniline, right? और हम लोग react कर रहे हैं nitrating mixture के साथ HNO3 H2SO4 at a temperature of 288 Kelvin, right? तो ये हमें क्या दिखता है? A mixture of पैरा नाइट्रो एनिलिन प्लस मेटा नाइट्रो एनिलिन प्लस ऑर्थो नाइट्रो एनिलिन ठीक है पैरा ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट 51% हमारे पास आता है पैरा ठीक है और जो मेटा है सरप्राइजिंगली मेटा का अमाउंट इज आल्सो नॉट लेस 47% एंड ऑर्थो इज ओनली 2% अब क्वेश्चन क्यों आता है क्या आता है इसमें कि ऑल्दो NH2 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट स्टिल व्हाई 47% ऑफ मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग नाइट्रेशन ठीक है सो उसमें बेसिकली क्या लिखना है आपने कि ये जो NH2 ग्रुप यहाँ पे है क्योंकि हम लोग रिएक्शन को इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक आयन बन जाता है व्हिच इज गोइंग टू बी द एनिलीनियम आयन सो वी हैव ओवर हियर NH2 एसिड में से इट इज गोइंग टू टेक H पॉजिटिव एंड फॉर्म एनिलीनियम आयन व्हिच इज NH3 पॉजिटिव ठीक है अब ये जो एनिलीनियम आयन यहाँ पे बना ये मेजरली मेटा डायरेक्टिव है तो इसलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा दैट इज गोइंग टू अटैक एट द मेटा पोजिशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द एनिलीनियम आयन ठीक है सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
अगर सिर्फ हमको पैरा चाहिए तो पैरा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी एसिटाइलेशन करनी पड़ेगी जैसे कि हमने ब्रोमिनेशन में करी थी, फिर उसके बाद उसकी हम नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन करके हमें पास सिर्फ पैरा प्रोडक्ट आ जाता है, फिर उसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं सो एज टू रिमूव द एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। सो द सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड जैसे हमने ब्रोमिनेशन में करी। So we have over here NH2 reacted with acetic anhydride, get acetyl product, NH2COCH3, ठीक है, where we have a lone pair of electrons over here in NH ion, right? और फिर उसके बाद हम इसकी nitration करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ para product जो है वो major product आ गया, और फिर इसको हम लोग acid या basic medium में react करते हैं। जब एसिटाइल ग्रुप यहां से निकल जाएगा और हमारे पास आ जाता है पैरा प्रोडक्ट, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी रिएक्शन। द थर्ड रिएक्शन विच वी आर गोइंग टू डू दैट इज सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन का मतलब हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनाइल ग्रुप, ठीक है। सो यहां पे क्या कहते हैं, जब हम लोग रिएक्ट करते हैं एनिलिन को, विद H2SO4 दिस इज गोइंग टू गिव अस एनिलिनियम हाइड्रोजन सल्फाइड एज सॉरी एनिलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट एज एन इंटरमीडिएट। Known as anilinium hydrogen sulfate, positive and negative. फिर उसके बाद इसकी rearrangement होती है at a temperature of 453 Kelvin. Okay, so we are going to get over here SO3H. Sulfanilic acid. Sulfanilic acid और ये जो sulfanilic acid है फिर उसके बाद ये बनाता है zwitterion. Hydrogen आप देख रहे हो दैट इज गोइंग टू शिफ्ट, सो वी आर गोइंग टू गेट ओवर हियर अ zwitterion. Got it? Zwitterion. Now over here remember कि जो aniline होता है that is not going to undergo Friedel-Crafts reaction. क्यों ये Friedel-Crafts reaction नहीं करता है? क्योंकि ये एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जो हेलोजन कैरियर हम यूज करते हैं उसके साथ ये सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए इट डज नॉट अंडरगो द Friedel-Crafts एल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ अमीन्स। सेकेंड सेक्शन जो हमारे पास आता है दैट इज गोइंग टू बी डाइजोनियम सॉल्ट्स। सो डाइजोनियम सॉल्ट्स की आपने ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस करी हुई है, आई डोंट थिंक कि देयर इज नीड टू डू देम ऑल अगेन, राइट। सो वहां पे हम लोगों ने अभी प्रेपरेशन हम लोगों ने करी थी, वी जस्ट डन इट। तो प्रेपरेशन में हमने क्या किया कि वी हैव डन द फॉर्मेशन ऑफ द डाइजोनियम क्लोराइड, जब हम लोग HNO2 के साथ एनिलिन को रिएक्ट कर रहे हैं जिसमें वी हैव डन दैट रिएक्शन, उस रिएक्शन को हम क्या बुलाते हैं, द रिएक्शन दैट इज नोन एज डाइ एजोडाइजेशन रिएक्शन,
ठीक है. सो वो भी एक क्वेश्चन आपको आता है. डायएसिटाइजेशन रिएक्शन इज गोइंग टू बी व्हाट, कि जब हम एनिलीन को रिएक्ट करते हैं विद HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड HCl. ठीक है. सो केमिकल प्रॉपर्टीज में जब हम लोग जाते हैं तो वी हैव डन द केमिकल प्रॉपर्टीज, वी हैव डन द सैंडमेयर्स रिएक्शन जिसमें हम लोग एल्काइल सॉरी एराइल हैलाइड्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वी हैव डन द गेटरमैन रिएक्शन. सो उसमें दोनों में फर्क सिर्फ क्या है कि जो सैंडमेयर्स रिएक्शन हम करते हैं, सैंडमेयर्स रिएक्शन में जो हम रिएजेंट्स यूज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी CuCl2 इन प्रेजेंस ऑफ जो भी आपको अगर क्लोरो बनाना है तो HCl लेते हैं, अगर ब्रोमो बनाना है तो HBr लेते हैं. ठीक है. पर उससे हम लोग प्रिपेयर सैंडमेयर रिएक्शन से हम लोग आइडो और फ्लोरो जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते. गेटरमैन रिएक्शन में हम लोग रिएजेंट चेंज कर देते हैं, वी आर यूजिंग कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl अगर हमें क्लोरो बनाना है एंड कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HBr अगर हमें ब्रोमो बनाना है. ठीक है. फिर उसके बाद हम लोग अगर हमको आइडो बनाना है तो हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर हमें फ्लोरो बनाना है तो हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को HBF4 के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है. सो ऑल दीज रिएक्शंस वी हैव ऑलरेडी डन जब हमने एल्काइल और एराइल हैलाइड्स करा था. यहाँ पे जो एक रिएक्शन हम लोगों ने उस दौरान नहीं करी हुई है दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायएज़ो ग्रुप. सो दिस इज द सेकेंड काइंड ऑफ रिएक्शंस. So this is, I am doing partly benzene diazonium chloride over here. Mostly I have done it, all the reactions we have done already जब हम लोगों ने alkyl halides करे थे. So अगर आपको ये वाले करने देखने हैं तो you can go on to those videos जिसमें हम लोगों ने alkyl और aryl halides already करे. ठीक है. So यहाँ पे हम लोग एक reaction जो हमने इस वक्त नहीं करा है that is reaction involving retention of the diazo group, और इन reactions को हम क्या कहलाते हैं, coupling reactions. In these reactions, different color dyes they are going to be formed and they can also be taken as a distinction test for the functional groups. जैसे for example, हम लोग coupling reaction करते हैं phenol के साथ या हम लोग करेंगे aniline के साथ. So let's see what is going to be the reaction over here. This is benzene diazonium chloride. We are doing the reaction with phenol. आ गया H, यहां से HCl जो है वो निकल जाएगा. सो ये डायएज़ो ग्रुप, डायएज़ो ग्रुप N ट्रिपल बॉन्ड N वाला जो ग्रुप होता है उसको हम डायएज़ो ग्रुप कहते हैं. यहाँ पे ये जो डायएज़ो ग्रुप है ये रिटेन हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू गिव अस एन ऑरेंज कलर डाई. Para hydroxy azo benzene and this is going to be a orange color dye. So agar hum benzene diazonium chloride ko sample ke sath react kar rahe hain aur hamare paas orange color ka dye aa raha hai, iska matlab jo sample humne diya hai that is going to be phenol. Okay, let's go on to the second reaction over here. एनिलिन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं हम. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी नोन एज पैरा अमीनो निकल जाता है इसमें भी, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी अ येलो डाई. ठीक है. इट्स द सेम काइंड ऑफ रिएक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, राइट. अब यहां पे अगर हम लोग इंपॉर्टेंस देखें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयडो साइनो किसी की भी आपको वो करनी है नाइट्रो फिनोल एरोमेटिक रिंग में इंट्रोडक्शन करनी है उनकी तो उसके लिए हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से करते हैं. फिर साइनो ग्रुप जो है
जल्दी हम लोग देखते हैं कि जो aryl fluorides है और iodides है उनको हम लोग डायरेक्ट हैलोजनेशन के साथ नहीं प्रिपेयर कर सकते बिकॉज़ इस iodo के लिए आपको पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करना पड़ता है और फ्लोरो के लिए हमें HBF4 के साथ सो सैंडवियर रिएक्शन जो है वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है टू क्लोरो एंड ब्रोमो ओके सो सेम इज द केस ऑफ गेटरमैन गेटरमैन रिएक्शन में भी हम लोग सिर्फ क्लोरो और ब्रोमो ही बना सकते हैं ओके फिर उसके बाद साइनो ग्रुप को नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हम सब्स्टिट्यूशन ऑफ डायरेक्टली अगर हमको सब्स्टिट्यूशन करनी है और रिप्लेसमेंट ऑफ डाई एज अ ग्रुप बाय अदर कंपाउंड्स दैट आल्सो हेल्प्स अस टू फॉर्म डाइज सो दीज आर गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट सो विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर मींस द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट दैट इज गोइंग टू बी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ओके